दिलो जान से करते हैं दोस्ती यारी, हम दिलो जान से करते हैं दोस्ती यारी, इज्जत से कहा करो हम है बिहारी। बिहारी नाम है उस इंसान का, बिहारी नाम है उस इंसान का जो पक्का है अपने ईमान का। तो आज बिहार दिवस के अवसर पर उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे अभिभावक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री श्री विजय चौधरी जी, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, माने उपसभापति बिहार विधान परिषद श्री रामचंद्र पूर्वे जी, जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी, भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, मान्य कृषि मंत्री सरबजीत कुमार जी, मान्य मंत्री सुनील जी, मान्य मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, मान्य मंत्री सुरेंद्र राम जी, जनाब शहनवाज आलम जी, मान्य मंत्री सुमित सिंह जी, मान्य मंत्री जयंत राज जी, मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री अंजनी कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब जी, बिहार के डीजीपी श्री आर एस भट्टी जी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, पटना के कमिश्नर श्री कुमार रवि जी, सुपर 30 के संस्थापक पद्मश्री श्री आनंद कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायक, विधान परिषद, वरीय अधिकारीगण, छात्र छात्राएं, बिहार वासी और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी हमारे राज्य के वासी, सभी लोगों को आदाब प्रणाम और सलाम करते हैं। और 111वीं बिहार दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को ढेरी शुभकामनाएं और आप सब लोगों का धन्यवाद हम प्रकट करना चाहते हैं। गौरवशाली अतीत, समृद्ध विरासत, विभिन्न धर्मों की उद्गम स्थली, महापुरुषों की जन्मस्थली, लोकतंत्र की जननी, वीरों की कर्म भूमि, ज्ञान सद्भावना समरसता की पावन धारा, बिहार का हम अपने निश्चय व जान भागीदारी से सुनहरा भविष्य तैयार कर रहे हैं। बिहार भारत के अस्तित्व का हिस्सा है, हमारी पहचान है, बिहार हमारी जान है, बिहार हमारा प्यार है। बिहार को इग्नोर करके आप देश को विकास की नहीं सोच सकते कि बिहार को बिना आगे बढ़ाए आप देश को जो है विकसित नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए यहाँ आज पूरी बिहार सरकार के सभी मंत्री, अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, स्वयं हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने संसाधनों के बावजूद भी हम चारों तरफ हर एक सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं अपने कम संसाधनों को लेते हुए। और मुझे खुशी हुई जब माननीय वित्त मंत्री जी ने बिहार के विधानसभा में बजट पेश करते हुए ये आंकड़ा जो अभी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, बड़ी गौरव होता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार के लोगों के प्रति जवाबदेह है। बिहार को आगे ले जाने के लिए, हर एक लोगों के तरक्की के लिए, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी लोगों के लिए हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और ये हम आप सब लोगों को बता दे कि आगे आप लोगों का साथ मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि आप ही लोग जो है असली ताकत है। और ये ताकत के जो है आप लोगों से ऊर्जा मिलती है, तो हमें पूरा विश्वास है कि बिहार को हम लोग जो है मिल करके आगे ले जाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ
उन्होंने आंकड़ा बताया कि हम तीसरे नंबर में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में, यानी तेजी से विकास कर रहे हैं। आंध्र और राजस्थान हमसे आगे, लेकिन जो दूसरे नंबर पे हैं या पहले नंबर पे हैं, जो हमारा लगभग 11% है फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट का, तो ज्यादा डिफरेंसेस ना राजस्थान से हमारा है, कुछ पॉइंट कुछ दशमों कुछ संख्या में वो आगे है, लेकिन ज्यादा का अंतर नहीं। आंध्र का भी पहले और दूसरे में ज्यादा अंतर नहीं है। और आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट तो है ही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी जो है बिहार अव्वल नंबर पर है। तो इससे साबित होता है कि बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमें जरूरत है, सड़क हो, बिजली हो, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सोचिए, जो दक्षिण बिहार जो है, जहां गया, नवादा, राजगीर, जहां सूखा पड़ा रहता था, माननीय मुख्यमंत्री जी गंगा जी को ले जाकर के वहां जो है हर घर नल गंगा जल का पहुंचाने का काम किया। इतना बड़ा काम, कई काम है, उपलब्धियां बहुत है, ज्यादा कुछ हम आप लोगों को कहेंगे नहीं। आप सब लोग जानते हैं, देखते हैं कि बदलाव तरक्की बिहार की हमेशा हो रही है, और हम सब लोगों की कोशिश रहेगी कि ऐसे ही बिहार जो है आगे बढ़े। यहाँ भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, महावीर भगवान, गुरु गोविंद सिंह जी, माता सीता, शेरशाह सूरी, वीर कुंवर सिंह, रेणु जी, राष्ट्र कवि दिनकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, विद्यापति जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, शहीद जगदेव प्रसाद जी, श्री कृष्ण सिंह जी, लोकनायक जयप्रकाश जी, भिखारी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी, लालू जी और नीतीश जी, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे अनगिनत महापुरुषों और स्थलों की से ये जाने जाने वाला ये हमारा बिहार है। और हम सब लोग जो है इसी काम में लगे हैं कि आप लोगों को बेहतर सुविधा हम लोग दे पाए। और शिक्षा मंत्री जी ने तो कहा, और हम लोगों का कमिटमेंट है, प्रण है, जो हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष रखा कि 10 लाख नहीं, इसी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था की बात की है ऐतिहासिक दिन में। तो इसलिए चाहे शिक्षा हो, हर एक क्षेत्र में हम लोग जो है काम कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, सारी प्रक्रिया जो है अंतिम मोड़ पर है, सारी चीजें जो वादा किया है नौकरी का, उसको हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए, और भी कार्यक्रम है, बहुत देर से सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन एक बात हम कहेंगे, इतना काम बिहार में हो रहा है, लेकिन कुछ लोग समाज में रहते ही हैं, कुछ बिहारी हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, तो इन सब से लोगों को बचने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। तो हम सब लोग आइए संकल्प लेते हैं कि अगर कहीं भी कभी भी बिहारी प्राइड की अगर बात आएगी, तो हम बिहारी प्राइड को झुकने नहीं देंगे, कम नहीं होने देंगे, बिहारी प्राइड को ऊंचा करने का काम करेंगे। तो हम बिहार के लोगों से 111वें बिहार दिवस पर यही कहना चाहेंगे, अब हम बिहार के गौरवशाली इतिहास, प्रगतिशील वर्तमान के साथ साथ बिहार के सुनहरे भविष्य के लिए मिलकर कार्य करना है। इसमें केवल सरकार नहीं, हर नागरिकों को अपना योगदान देना होगा। इसलिए आप सब लोगों को पुनः बिहार दिवस की और चैत नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।